हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। तो बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड है ना, तो इसमें क्या है कि क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी क्वाड्रेटिक दी हुई होगी हमें, कोई भी एक्स के फंक्शन के रूप में है ना, कोई भी फंक्शन के रूप में दी हुई होगी है ना, और तो उसमें क्या करना है हमें, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और एलिमेंट्री मेथड लगाओ। तो यानी सबसे पहले हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आपने 10th क्लास में अच्छे से सीखा होगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। तो उस परफेक्ट स्क्वायर मेथड का ही अब हम यहाँ पे आगे यूज लेते हैं। देखो, तो एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये थोड़ा ज्यादा ही बोल्ड हो गया है ना, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ये लो, अब देखो, तो अब आपको एक चीज तो दिख ही रही है इसमें, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक है। क्या है? एक क्वाड्रेटिक है ना। तो क्वाड्रेटिक का क्या करें अब, इसका क्वाड्रेटिक का इन टर्म्स ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है साहब, दी हुई है। तो इसमें पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के तरीके होते हैं, क्या तरीका है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, फंक्शन, ठीक है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो, ठीक है, प्लस एक्स एज इट इज लिख प्लस एक्स एज इट इज लिखो। तो ये हो गया देखो, प्लस ये एक्स एज इट इज आ गया और ये है थ्री है ना, ये लिख दिया थ्री। अब देखना इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें 2ab की फॉर्म बनानी है। तो अब क्या करें 2ab के लिए, और बनाने भी कुछ इस तरीके से हैं कि इस x पे कोई फर्क ही नहीं पड़े। तो एक ही तरीका है क्या, कि इसे 2 × ½ × x के रूप में लिख दें, 2 × ½ × x के रूप में लिख दें, तो इंटू एक्स, ठीक है। और रूल क्या कहता है, अब ये जो देखो, ये हो गया टू, ये रहा ए, क्योंकि ए का स्क्वायर हो चुका बी, बी क्या है 1/2, तो इसका स्क्वायर दोनों तो जोड़ना है और इसका स्क्वायर ही घटाना है, ठीक है, ये तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज यहाँ पर दिख रही होगी क्या, कि ये जो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी फॉर्म है ये। तो इसका क्या करें, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, राइट, और 3 में से 1/4 गए तो कितने बचे भाई, 3 में से 1/4 गए तो बचे 3/4, और 3/4 को कितने बोलते हैं, 11/4, तो प्लस का हो गया 11/4। तो यहां से हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले एक्स में आधा जोड़ना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, और फिर 11/4 उसमें जोड़ देना है। तो बस इन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, तो आपको पता ही होगा। तो इसमें पहले तो आधा जोड़ दो, तो हाफ जोड़ा तो हो गया बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, में आधा जोड़ा माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी में और इन्फिनिटी में हाफ जोड़ा तो ये भी इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट। स्क्वायर करना है तो देखो, एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो ये आपको पता ही है क्या, कि स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो देखो, नेगेटिव वाले का तो पॉजिटिव हो जाएगा और इस पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो नेगेटिव वाले का पॉजिटिव अगर होगा और इसका स्क्वायर, मतलब अब पॉजिटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अब एक चीज देखो, जब भी कभी इन्फिनिटी से थोड़ा सा कम, मतलब इन्फिनिटी माइनस की बात करते हैं, तो उसका स्क्वायर हमेशा और हमेशा जीरो होगा, ठीक है। और ये है ओपन ब्रैकेट, तो ये आएगा क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है, कॉमा, और इन्फिनिटी का तो इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। अब इसमें 11/4 मुझे जोड़ना है, तो देखो एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 11/4,
कॉमा, ये बिलोंग्स टू। तो देखो इसमें 11/4 जोड़ूंगा तो ये तो 11/4 विद क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, कॉमा इन्फिनिटी में 11/4 जोड़ूंगा तो ये तो इन्फिनिटी ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो गई हमारी इस बार, अब रेंज हो गई हमारी, क्या हो गई रेंज। और ये अभी भी ये पूरा क्या है, ये हमारा पूरा हो गया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब हम आगे इसके कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं, देखो तब ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होएगा। ठीक है, तो ये देखो क्वाड्रेटिक तो दोनों सेम ही है, लेकिन ये यहाँ पर है ना, इसमें रेंज डिसाइड कर दी। क्यों? देखो वैसे तो आपको पता है कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। ये अभी अभी हमने इस प्रीवियस जो एग्जाम्पल बताया मैंने अभी अभी, उसमें भी मैंने लिया है ये यूज में। बट यहाँ पर थोड़ी सी बात निराली है, यहाँ पे बात निराली क्या है, ये एक रेंज डिसाइड करके दे दिया। तो जब कभी भी रेंज डिसाइड करके दे देते हैं तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट एनईडी, कंस्ट्रेंड डोमेन। ठीक है, जब कभी भी यूं डोमेन डिसाइड करके दे देता है, रेंज नहीं डोमेन, क्योंकि रेंज तो हम बताएंगे है ना, तो जब डोमेन डिसाइड करके दे देता है तो वो उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट डोमेन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फर्स्ट वाले से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x-6 से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x-6, आ जाओ देखो इसका सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x-6। तो इसमें क्या करें, माइनस कॉमन ले लो। तो देखो माइनस कॉमन लोगे जब आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव का, तो ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर नेगेटिव का, और ये 4x+ का, तो ये लो 4x+ और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें भी वही बात कि देखो नेगेटिव तो कॉमन ले लिया, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ये 2ab की फॉर्म बनानी है तो इसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो माइनस का 2 और a तो x है ही, तो x और b क्या है यहाँ पर 2, तो उस 2 का स्क्वायर ही जोड़ना है और 2 का स्क्वायर ही घटाना है। तो क्या होता है, 4 जोड़ा 4 घटाया और प्लस 6 एज इट इज। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट, और प्लस 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2। तो यानी हमें यहां पहुंचना है, इसको मैं अलग ब्रैकेट से डिनोट कर देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया अलग ब्रैकेट से डिसाइड। ठीक है, अच्छा अब इसको अब मुझे सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम जानते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है, ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा इसमें से 2 घटा दो फिर स्क्वायर कर देंगे, तो 2 घटा दिया बिलोंग्स टू, 2 घटाएंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से, मैं 2 घटाएंगे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में से 2 घटाएंगे तो इन्फिनिटी। स्क्वायर करना है तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, फिर से वही बात आ गई, देखना अभी तो आई होप आप अब जान चुके होंगे कि माइनस इन्फिनिटी का जो स्क्वायर होगा वो होगा 0। तो ये विद क्लोज ब्रैकेट 0 कॉमा इन्फिनिटी का तो क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा विद ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब इसमें 2 जोड़ना है, तो देखो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ओपन ब्रैकेट मतलब बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सॉरी, 0 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 2, और इन्फिनिटी में तो 2 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा विद ओपन ब्रैकेट। अब इस चीज़ क्वांटिटी को मुझे मल्टीप्लाई करना है माइनस से, तो माइनस ऑफ दिस समथिंग क्वांटिटी एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2, और ये हो गया बिलोंग्स टू। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2 और माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन याद रहे माइनस इन्फिनिटी पहले आता है विद ओपन ब्रैकेट, तो होगा विद ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी, और ये है माइनस 2 कॉमा लगा के क्या है माइनस 2, तो ये क्या हो गया क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा, समझ में आया नहीं आया, क्लियर। अब ये कंस्ट्रेंट डोमेन वाले को भी देखते हैं, देखो देखो ध्यान से, तो क्वाड्रेटिक तो सेम ही है ना, तो क्वाड्रेटिक तो सेम ही है, तो वही करना तो वही है जो सारे काम होने हैं, तो हमें बेसिकली जाना यही है। बट इस बार रेंज ऑलरेडी हम मतलब डोमेन हमारे पास डिसाइडेड है, एक्स बिलोंग्स टू
क्लोज ब्रैकेट माइनस थ्री से वन विद ओपन ब्रैकेट। तो इसमें से पहले तो दो घटाएंगे फिर स्क्वायर करेंगे, दो घटा दो बिलोंग्स टू, माइनस थ्री माइनस टू कितना होता है माइनस फाइव होता है, और वन माइनस टू कितना होता है माइनस का वन होता है विद ओपन ब्रैकेट। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर करेंगे, देखो बिलोंग्स टू माइनस वन का स्क्वायर वन और माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, लेकिन वन पहले आएगा विद ओपन ब्रैकेट तो वन पहले आ गया, माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव विद क्लोज ब्रैकेट। अब एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है ना, और प्लस दो विद ओपन ये वाला ब्रैकेट लगा दो, दो जोड़ दो तो बिलोंग्स टू, एक में दो जोड़ा तो कितना आ गया तीन, और पच्चीस में दो जोड़ा तो कितना आ गया सत्ताईस विद क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू बिलोंग्स टू, तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस तीन ये माइनस सत्ताईस, लेकिन माइनस सत्ताईस पहले आता है तो क्लोज ब्रैकेट माइनस ट्वेंटी सेवन से कॉमा माइनस तीन विद ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर डोमेन ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है, तो ये डिसाइडेड है तो फिर अब उसके हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो आगे है अब हमारा कुछ अच्छे क्वेश्चन, ये बड़े गजब के हैं। इसके लिए मैं एक बार पहले वाटर ब्रेक लेना चाहूँगा, आप देख लो एक बार, इसको देख लो आप एक बार, ये लो, ठीक है। देखो अब ये लो, तो ये हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको चार, इधर आपको कॉलम फर्स्ट में चार आपको फंक्शन दे रखे हैं है ना, और कॉलम सेकंड में आपको चार ही उनकी रेंज दे रखी है, तो कौन सा किसके साथ मैच होगा इस चीज को चेक करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन इज द ओनली थिंग एंड ओनली मेथड है ना टू सॉल्व इट इजीली। तो देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, देखो तो इसमें आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा इसमें आपको ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड देखो ध्यान से, ग्राफिकल मेथड क्या होगा, ठीक है, अब देखो इधर ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते, ये लो, ठीक है। अब ये कह रहा है देखो x इक्वल टू आप इसमें जो जो वैल्यू पुट कर सकते हो वो तो आप, आपको पता ही है मोड की जो हमारे पर रेंज होती है तो उस अकॉर्डिंग है ना, तो हम इसमें वन और ये यहाँ पर जीरो है ना, ये हो गया टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ठीक है, और इसमें मान लीजिए यहाँ पर आ गया वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, और ये यहाँ पे आ गया फाइव है ना। अच्छा, अब देखो इधर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप है ना जो एक्स की जगह, अगर आप यहाँ पर एक्स की जगह आप अगर यहाँ पर क्या रखोगे टू रखो, देखिए टू, तो टू माइनस वन कितना हो गया वन प्लस टू माइनस टू जीरो, टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री दैट इज माइनस वन,
और माइनस वन का मोड क्या होता है, वन, तो वन और वन कितना होता है, टू, तो यानी टू रखने पर टू ही मिलेगा, तो ये आ गया टू रखने पर टू मिलने वाला, ठीक है। अच्छा उसी के साथ देखे इसमें थ्री रखो, थ्री, थ्री माइनस वन टू, थ्री माइनस टू वन, और थ्री माइनस थ्री जीरो, टू और वन कितना हो गया थ्री, तो यानी थ्री रखने पर भी कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, वो कहाँ आएगा, ये थ्री और ये कहाँ है, ये रहा थ्री, ठीक है। अच्छा जरा एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, तो जीरो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन का मोड वन, माइनस टू का मोड टू, और माइनस थ्री का मोड थ्री, तो टू थ्री और थ्री सिक्स, यानी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने पर वाई इक्वल टू कितना मिल रहा है यहाँ पर, सिक्स, तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर सिक्स हुआ करता था, तो ये यहाँ पर मिल गया। उसके बाद इस तरीके से जब आप फंक्शन इसमें रखते चले जाओगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें एक बार वन पुट करोगे, ये देखो देखे, तो वन माइनस वन जीरो, वन माइनस टू, माइनस वन का मोड वन, और वन माइनस थ्री, माइनस टू का मोड टू, तो टू और वन थ्री, तो वन रखने पर थ्री मिल रहा है, तो ये रहा वन और ये रहा थ्री, तो ये इसी के पास यहाँ पे रास्ते में पड़ेगा। अब अगर आप इसको इसमें मिलाओगे आपस में, तो ये लगभग कुछ ऐसा आपस में ही मिलेगा, जो कि इतना ले लो इसको, ठीक है, हाथ से बनाया अपन ने ये, इसलिए ये इतनी क्लियरिटी नहीं आ रही है। बाकी आप जब इसको मिलाओगे तो जो मोड का ग्राफ होता है लगभग ये है ना, और ये यूं मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको ये देखना है, तो पोर्शन कवर्ड बाय वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के द्वारा देखो, ये थ्री पे तो वन पे मिल गया, ठीक है, ये टू पे मिल गया, ठीक है, और ये थ्री पे मिल गया, ठीक है। अच्छा तो ये पोर्शन कवर्ड बाय वाई एक्सिस, एक चीज गौर करो, दो वन तो कोई यूज ही नहीं आया इसमें, है ना, तो जो कवर आया वो कौन सा पोर्शन आया, ये, और यहाँ से तो फिर रखते चले जाओगे वही है, तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो आएगी वाई बिलोंग्स टू टू से, क्लोज ब्रैकेट टू से, क्योंकि टू खुद भी तो आ रहा है, टू से इन्फिनिटी विद ओपन ब्रैकेट, ये हमारा आंसर होगा, यही हमारी रेंज होगी, ठीक है। तो जरा क्लोज ब्रैकेट टू से इन्फिनिटी वाले पे इसको मिला दो, तो ये देखो ये हो गया क्लोज ब्रैकेट टू से इन्फिनिटी। चलो जी आगे देखो, बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस सेवन, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस सेवन, देखो ध्यान से क्या ही है, सेकेंड वाला, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का फोर साइन एक्स प्लस सेवन, ठीक है। अच्छा इसके साथ क्या करना है, देखो ये तो आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, तो बस उसी बात का ध्यान रखना है, और इसकी जगह आप कर दो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस का फोर साइन एक्स प्लस सेवन एज इट इज, ठीक है। सात और एक कितना हो गया आठ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का फोर साइन एक्स प्लस आठ, माइनस कॉमन ले लो, और जरा साइन एक्स को टी और मान लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस फोर टी माइनस एट, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस एट। अच्छा अब होगा तो यही, बट हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, और वो क्या काम करेंगे, देखो इस माइनस आठ में से नहीं ले रहा मैं कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का आठ ही रहने दो, और इसमें से ले लो कॉमन, ठीक है। अब क्या करें साहब, इससे क्या होगा, देखो ध्यान से, तो माइनस तो कॉमन चलने दो, है ना,
टी स्क्वायर, अब इसके वही प्लस 2 × t × 2 लिख दो, तो यानी 2, यानी 2 का स्क्वायर जोड़ना और घटाना है, तो 4 − 4 है ना, और प्लस का 8 अपनी जगह एज इट इज। फिर ये क्या हो जाएगा देखो, अब ये जो क्वांटिटी है ए स्क्वायर प्लस 2ab + b², ये क्या हो जाएगा, माइनस तो कॉमन लिया ही है, ये हो जाएगा टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा उसके बाद देखो, ये हो गया ठीक है, अब -4 एज इट इज, ये लो एज इट इज, और प्लस का 8 एज इट इज, एज इट इज माइनस अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस का टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, और +4 और ये +8 दैट इज +12, उस 12 को अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो कोई परेशानी है क्या? नहीं होगी है ना। अच्छा अब देखो, अब एक बात आप जानते हो, क्या जानते हैं कि इसको है ना, जो अगर मैं ऐसे लिख दूं 12 माइनस और sin x + 2, क्योंकि टी को यहाँ इसके अकॉर्डिंग टी माने थे ना, तो ये हो गया sin x + 2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स अब मुझे साइन एक्स के साथ खेलना है, 2 जोड़ूंगा स्क्वायर करके 12 में से घटा दूंगा, या माइनस से मल्टीप्लाई करके 12 जोड़ दूंगा, ये भी तो कह सकते हैं। तो बस लग जाओ इसी काम पे, देखो sin x = वो बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 विद क्लोज ब्रैकेट, 2 जोड़ दो इसमें, तो sin x + 2 बिलोंग्स टू -1 में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1। अच्छा 1 में 2 जोड़ो दैट इज 3 विद क्लोज ब्रैकेट। अब जरा इसका स्क्वायर करना है, तो देखो sin x + 2 का होल स्क्वायर करना है, तो यूनियन इसमें वो यूनियन क्या बिलोंग्स टू 1 और 3, इसका तो सिंपल सा रूल है कि 1 का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 9, सिंपल। माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो sin x + 2 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू, अब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 - 9, बट सबको पता है -9 पहले आता है, तो -9, -1 क्लोज ब्रैकेट, 12 में से घटा दो ये चीज, तो 12 ठीक है, 12 माइनस, देखो एक मिनट, 12 माइनस दिस क्वांटिटी sin x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो देखो एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो देखो ठीक है, ये कर लिया हमने स्क्वायर, स्क्वायर बिलोंग्स टू, 12 में से घटाना है यानी 12 जोड़ना है, -9 + 12 = 3, तो क्लोज ब्रैकेट 3, और -1 + 12 = 11, तो ये हो गया क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी रेंज, और ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, और ये क्या हो जाएगी हमारी रेंज, ठीक है ना, इस तरीके से ये होगा, क्लियर। अच्छा तो ये तो हो गया, अब 3 से 11 है क्या इसमें हमारे पास, देखो ये रहा 3 से 11, तो ये इसमें चल जाएगा, सही है। आगे देखो 7 / x² - 2x, 7 / x² - 2x, तो देखो इसको किस तरीके से किया जाएगा, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट, f(x) = 7 / x² - 2x, कोई इशू नहीं है। देखो सबसे पहले तो x² - 2x का हम कर क्या सकते हैं, पहले ये सोचो, तो आपको अच्छे से ये बात पता होनी चाहिए क्या, कि अगर मैं इसमें एक जोड़ू और एक घटाऊं तो कोई परेशानी है क्या, यहां तो क्यों जोड़ू, अलग से लिखूंगा इसको तो, है ना। तो देखो x² - 2x में एक जोड़ो और एक घटाओ, एक जोड़ा और एक घटाया, ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास x - 1 का होल स्क्वायर,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और जो है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। अब किसी तरीके से हम इस क्वांटिटी तक पहुंचेंगे पहले, फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे, राइट, और देन उसको फिर सात से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा, है ना। अब सिंस ये बात आप अच्छे तरीके से जानते होंगे बखूबी कि वही एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसमें से पहले एक घटा दो, तो इन्फिनिटी में से एक घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नेगेटिव इन्फिनिटी में से और पॉजिटिव इन्फिनिटी से में ऐसे भी अगर एक घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर स्क्वायर कर दो। अब ये बात फिर वही लागू होती है, देखो बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी का अगर आप स्क्वायर करोगे दैट इज क्लोज ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी विद पॉजिटिव ब्रैकेट, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया। अब इसमें से एक घटा दो तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, तो बिलोंग्स टू 0 में से एक घटाओगे दैट इज माइनस वन, और इन्फिनिटी में से एक घटाओगे तो इन्फिनिटी विद ओपन ब्रैकेट, तो माइनस वन से इन्फिनिटी आ गया ये हमारा कुछ। भाई अभी तो इसका रेसिप्रोकल भी करेंगे, याद है ना ये चीज़ को। अब इसका रेसिप्रोकल तो यानी हमारे पास जो मिल के आ गया हमारे पास, इसी बात को मैं लिख देता हूँ, तो हमारे पास बेसिकली ये जो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स था ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, क्योंकि अगर इसे खोलूंगा तो भाई पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन कट जाएगा ना, तो यानी मेरे पास इसकी जो रेंज दे रही आई है वो आ गई मेरे पास क्लोज ब्रैकेट माइनस वन से इन्फिनिटी विद ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका इसका क्या करें, कोई इशू नहीं है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स तो बिलोंग्स टू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो माइनस वन का क्या हो जाएगा, माइनस के इन्फिनिटी, मतलब पहले तो माइनस इन्फिनिटी से ही तो शुरू करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से। अब माइनस वन का क्या होता है, माइनस वन ही होता है विद क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इसके साथ क्लोज ब्रैकेट है, यूनियन, फिर उसके बाद में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का क्या होता है जीरो, ये जीरो से शुरू होगा विद ओपन ब्रैकेट, और ये इन्फिनिटी है ही सही, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे सेवन से, क्योंकि इस फंक्शन तक पहुंचने का यही एकमात्र तरीका है, बिलोंग्स टू सात से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो माइनस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, माइनस का वन सात से मल्टीप्लाई होने पर माइनस का सेवन हो जाएगा विद क्लोज ब्रैकेट, यूनियन जीरो का जीरो और इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस सेवन, यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, तो ये आ गया यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। अब जरा इसे और चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3.2 की पावर एक्स प्लस वन और प्लस का 11, ये कैसे होगा इस पर देख लेते हैं, विचार करते हैं, देखो ध्यान से ये लीजिए, देखो डी है हमारा, तो वो क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये डी ही मैंने इनके क्रम तो सही डाले हैं ना, अच्छा थर्ड डाल दिया क्या इसमें, तो इसको आप ABCD कर लेना, कहीं बच्चों की तरह करने लग जाओ साहब, है ना, टू बी मैच्योर, तो ये सी पॉइंट है ना, उसके बाद में ये सेकंड, ये ए हो गया और इसे बी कर दो, ठीक है। अच्छा तो बस अब इस चीज का यूज लो, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 4 की पावर x माइनस 3.2 की पावर एक्स डॉट 2 की पावर 1 प्लस 11, ठीक है। अच्छा इसका क्या करें, देखो 4 की पावर x माइनस 3 टू जा 6 डॉट 2 की पावर x प्लस 11, ठीक है। अब जरा यदि हम इफ वी अज्यूम 2 की पावर x को अगर हम t मान लें, तो 2 की पावर इट मींस जो 2 की पावर जो 2x है, यानी दैट इज 4 की पावर x, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, वो t स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ही तो करा है इसका, तो
तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 6t और प्लस का 11, ठीक है। अच्छा अब इस चीज को देखो, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 2a, और ये क्या बचा फिर b, तो तीन तीन का स्क्वायर, 9 जोड़ो 9 घटाओ, ये 9 जोड़ा 9 घटाया और प्लस का 11 एज इट इज। अब इसका क्या करें देखो, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर है ये, तो ये कितना हो जाएगा टी माइनस 3 का स्क्वायर, और 11 में से 9 गए तो कितने बचे 2, तो ये हो गया 2, ठीक है। अच्छा टी किसको माने थे, टी माने थे 2 की पावर x को, तो हो जाएगा 2 की पावर x, लगभग मेरा गला बैठ चुका है ना, प्लस 2 है ना। अच्छा अब क्या करें, अब ये है तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तो हमें रेंज पता है कि 2 की पावर x बिलोंग्स टू माई 0 to infinity, राइट। तो ये कितना हो गया देखो, 0 से इन्फिनिटी। अब जरा इसमें से 3 घटाओ पहले, तो 2 की पावर x माइनस 3 बिलोंग्स टू, 3 घटाएंगे तो 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 विद ओपन ब्रैकेट, और इन्फिनिटी में से 3 घटाएंगे तो इन्फिनिटी रहेगा। अब इसका स्क्वायर, तो 2 की पावर x -3 का करेंगे स्क्वायर बिलोंग्स टू, तो देखो इन्फिनिटी का तो भाई -3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और बट हमारे पास यहाँ पर जो है -∞, तो इसका पहले तो माइनस में है क्वांटिटी, तो इसका तो क्या हो जाएगा 0 विद क्लोज ब्रैकेट है ना, और इन्फिनिटी का क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। अच्छा अब इसमें 2 जोड़ दो, तो 2 की पावर x -3 का होल स्क्वायर में 2 जोड़ दो, ये 2 जोड़ दिया तो बिलोंग्स टू, ये कितना हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट 0 में 2 जोड़ा 2 इन्फिनिटी का इन्फिनिटी एज इट इज, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। देखिए 2 से इन्फिनिटी है क्या हमारे ऑप्शन में, 2 से इन्फिनिटी रहा, बिल्कुल रहा। टू से इन्फिनिटी, और भाई ये तो ये ही आ गया आंसर जो बच्चा अज्यूम ही नहीं कर पाएगा, वरना तो मैक्सिमम लोग तो यही सोच के बैठे रहते हैं कि जो बचा हुआ होता है वो चौथे का आंसर होता है, बचपन से हम तो यही सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, है ना। तो ये ही एक अपने आप में इसमें जो है वो सोचने वाली बात है, ठीक है ना। अच्छा अब एक छोटा सा टॉपिक है वो, और चलो इसमें कर ही लेते हैं, कर ले क्या बोलो। लेक्चर वैसे तो बड़ा हो रहा है, चलो ये फिर अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्टिंग वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट्स बनाओ, इसके डेली वीडियोस आ रही है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।